2000 के नोट अब नहीं छपेंगे। आरबीआई द्वारा एक बयान में कहा गया कि अब 2000 के नोट नहीं छापे जाएंगे। हालांकि अभी जो 2000 के नोट मार्केट में हैं, वे पूरी तरह चलन में नहीं रहेंगे। 30 सितंबर 2023 तक लोग 2000 के नोट बैंक में जमा करवा सकते हैं। उसके बाद भी यदि कोई जमा नहीं करा पाता तो उसका 2000 का नोट वैध नहीं माना जाएगा। वैसे तो 2000 के नोट बंद करने के पीछे क्लीन नोट पॉलिसी की बात आरबीआई द्वारा कही जा रही है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट में 2000 के नोट की डिमांड बहुत कम है। आरबीआई द्वारा बैंकों में निर्देश जारी किया गया है कि कोई भी बैंक ग्राहकों को 2000 का नोट ना दे। 30 सितंबर 2023 तक ग्राहक अपने बैंक में 2000 के नोट जमा करा सकते हैं। हालांकि आरबीआई द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि अभी जो 2000 के नोट मार्केट में है, वे पूरी तरह चलन में रहेंगे। आरबीआई ने अपील की है कि आमजन 30 सितंबर 2023 तक 2000 के नोट सारे नोट खाते में जमा करवा दें। इस संदर्भ में खरड़ मोहाली से भी व्यापार से जुड़े लोगों की प्रतिक्रिया आई है, आइए जानते हैं। ये गल बिल्कुल ठीक है, दोनों जिते रिश्वत आए थे गलत तरीके नाल पैसा लेने उसे 2000 का नोट बड़ा लाहेवंद सीगा। छोटे नोटों की गिणती भी बढ़ जाती है, वह भार भी बढ़ जाता, तो वह फलाट बढ़ जाता है, इसलिए यह तो अच्छी गल हैगी है। वैसे भी जो 2000 नोट एक आम पब्लिक लई है, आम बंदे लई जिदा सारे 25-40 हज़ार रुपए की आमदन हैगी, 2000 का नोट के लिए बहुत महत्व नहीं रखता सी रखना है वह लिए, क्योंकि वह कारण से बाजार समान लेने जाता है 100-50 का समान लेना 2000 तोड़ के कोई नहीं सकता, क्योंकि अजकल डिजिटल करंसी होने करके डिजिटल लेन देन होने करके वड्डे नोटों की जोड़ा है बाजार चलन घटता जा रही है। 2000 का वैसे ही सर्कुलेशन बहुत घट से, तो डिजिटल होने करके वो 2000 रुपये का जोड़ा बाजार चलाण का छोटे आम पब्लिक मैन का और बिजनेस मतलब कुछ बहुत महत्व नहीं सगा, तो ये चीज़ में ध्यान च रखते हुए अगर वो बंद हो जाता है तो आम पब्लिक ने उन्हें बहुत फर्क नहीं पैना, फर्क उन्होंने पेगा जिसे को बहुत ज़्यादा ढेर करंसी के पे है और गलत तरीके कमाया पैसा है और गलत तरीके रखा गया। अगर वो सर्कुलेशन चाहता है तो साड़ी इकोनमी जी कदे कदे उपर अप डाउन होंगी रहती सी, आने वाले समय जिस तरह हूँ भी मेरे ख्याल शायद वर्ल्ड चौथे पांचवें नंबर पर चल रही हैगी है, अगर भ्रिष्टाचार आ सारा दो नंबर का बंद हो जाए तो साड़ी इकोनमी किस ये समा आएगा कि वर्ल्ड नंबर वन हो सकती हैगी है। ये फैसला सरकार का सब तो वधिया है, ये आम दुकानदार किसी को कोई फर्क नहीं पैना, सिर्फ भ्रिष्टाचार ठल पेगी, क्योंकि 2000 का नोट रिश्वत दे विच आसानी नाल लिया जा सकता सी, हुण वह पैसा मार्केट दे विच आएगा सर्कल च चलेगा तो कम वधेगा। जिहड़ा फैसला है तो हैगा सही, तो जिहड़ी इन्हां ने टाइम भी देता वह भी हैगा काफ़ी हैगा बदलने नूं, पर जिहड़ी लिमिट है वह घट है, वह बंदे नूं मतलब जिहड़े छोटे दुकानदार है उन्हां नूं कोई फर्क नहीं पैना, छोटे आम पब्लिक बंदे नूं कोई फर्क नहीं पैना, जिहड़े बड़े आ जिन्हां दे पैसे दब्बे होए आ उन्हां नूं फर्क पऊगा, सानूं कोई फर्क नहीं इहदे नाल। देखो गल है जी ब्लैकमेलिंग बाहर निकलूगी, तो जी नवी करंसी आऊगी वो हिसाब न इन की जी रिकवरी नहीं हो रही वापस, तो वह रिकवरी वापस होगी तो जाके इतने अपना होगा। फैसला सरकार का सही भी है एक पासों गलत भी है, एक जोड़ा सही है वह रिश्वतखोरी वाले जोड़े लोग ने घर पैसे दबी बैठे ने यह बाहर निकलने हूँ, दूजे नंबर का जोड़ा फैसला है भी जोड़ा लोगों को लाइना च लग लग के जमा कराने पैणगे जाके हूँ पैसे अपने 2000 के नोट पिछे सुन के भी आया भी जेडे एक बंदे के को 10 हज़ार रुपया लेना सिर्फ इन्होंने 20 हज़ार सॉरी 20 हज़ार रुपया 20 हज़ार रुपये लोगों ने तो 12-12, 15-15 लख रुपये 20-20 लख रुपया अपने घर रख रखे 2-2 हज़ार के नोटों का, बिल्कुल ब्लैकमेलिंग है जी, बिल्कुल ब्लैकमेलिंग है, ब्लैकमेलिंग बाहर निकलूगी हूँ, यदा फायदा भी है थोड़ा जहा नुकसान भी है। यही आ प्रधान जी ने तो कहा भी थोड़ा दुकानदारों को प्रॉब्लम आएगी वो लिमिट थोड़ी बधाई जाए 20 हज़ार तो कुछ दुकानदारों को कुछ पब्लिक में भी फायदा हो जाएगा वो, क्योंकि वो मार्केट आसानी चला सकते हैं, नहीं अगर अदरवाइज तुम्हें बैंक जाना पेगा बच्चे बेचारियों अगर मार्केट बिजनेस सर्कल हो जाए दुकान लिमिट ले सके दुकान वाला भी चलो ठीक है यार असी जी सा कस्टमर आ उन्होंने रिलीफ मिल जाए, वो करके असं चाहते भी लिमिट बच जाए थोड़ी दुकानदारों तो पब्लिक न आप बैंक च ना जाना पवे, यही रिक्वेस्ट करते हैं सरकार को। अभी बहुत वधिया जी, बहुत वधिया फैसला है, रिश्वतखोरी भ्रिष्टाचार ये सारा ही वधिया हो जाएगा जे सिस्टम वधिया हो जाएगा। मैं सब तो पहला आपके चैनल में शुभकामना भेजदा, दूसरी गल जो ये 2000 के नोट बंद हुए हैं ये जो गरीब तबका है उन्होंने बहुत मौज हुई है, दूसरी गल जो व्यापारी वर्ग है कोई वर्ग है वह भी चाहता भी वधिया काम होया,
जो रिश्वत खोरी है घटूगी, रिश्वत खोरी जो रिश्वत लगा दो लाख इतनी बना डुप्लीकेट नोट बहुत तैयार हो रहे करंसी यह बनाई सौखी कहते जो करंसी है 2036 बनाई सौखी है जाली नोट बहुत है मेरे ख्याल ना भी हर पांच साल बाद करंसी बदलनी चाहिए। सरकार ने कल RBI के थ्रू ऑर्डर जारी किया है 2000 के नोट बंद करने का। मेरे हिसाब नाल मैं एज ए बिजनेसमैन मैं फील करदा कि बहुत वधिया स्टैप लिया सरकार ने, क्योंकि ये काला बाजारी रिश्वतखोरी काफ़ी रोकथाम लगेगी, क्योंकि पहला ही 2000 के नोट तो वैसे घट प्रचलन च है, असी ज़्यादा नोट साढ़े को आ भी नहीं रहे, कोई कोई आता सी, साडा सारा काम ही मेरे ख्याल 90% साडा डिजिटल ट्रांजैक्शन ही है, 10% कैश ट्रांजैक्शन है, वो 2000 के नोट ज़्यादा नहीं आते। और जो ये सरकार ने रिश्वतखोरी और काला बाजारी रोकने वास्ते जो स्टैप लिया बहुत वधिया लिया, ये नाल सानू पूरे देश वासियों यदि पूरी सपोर्ट करनी चाहिए है, ये नाल अच्छा फर्क पेगा, देश की इकोनमी तो बूस्ट होएगा, क्योंकि डिजिटलाइजेशन पहले ही हो चुका है सारी, हूँ 100% इकोनमी अगर पक्के दे विच हुंदी है, जो दो नंबर के काम नहीं होंगे तो बहुत वधिया देश की इकोनमी होएगी, बहुत उपर जाएगी। सरकार का बहुत वधिया उपराला, 2000 के नोट बंद होने मिड सैगमेंट के लोगों को बहुत बेनीफिट होएगा, जिहड़े लोगों की दो नंबर का पैसा जिहड़े बैड बॉक्सों के संभालिया हुआ बाहर निकलेगा मिड सैगमेंट के जाएगा, तो नॉर्मल लोगों लिए बहुत फायदा होएगा। कीप इट अप गवर्नमेंट, सरकार का बहुत बहुत चंगा रूल, ये सानू बहुत वधिया लगे। खरड़ से मोहित मित्तल और मोहाली से तिलक राज शर्मा की रिपोर्ट, युगमार्ग TV।